बाहुबली शहाबुद्दीन की इन तस्वीरों ने बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। पुलिस के पहरे में बिना हथकड़ी के शान से टहलते शहाबुद्दीन की ये तस्वीरें 29 जून की हैं, जब उन्हें बिहार के भागलपुर से डिब्रूगढ़ राजधानी में बैठाकर दिल्ली ले जाया जा रहा था। आप भी देखिए कैसे अकड़ वाली चाल के साथ सजा याफ्ता शहाबुद्दीन शान से स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। दरअसल शहाबुद्दीन ने सरकार के सामने अर्जी दी थी कि उन्हें पीठ में दर्द है जिसका इलाज कराया जाए। शहाबुद्दीन की मांग पर एक सरकारी मेडिकल पैनल ने उनकी जांच कर रिपोर्ट दी कि उनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, जिसके बाद भागलपुर जेल प्रशासन ने उन्हें दिल्ली के एम्स में इलाज कराने की इजाजत दी थी। लेकिन बीजेपी के नेता बाहुबली और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के इलाज को लेकर सवाल उठा रहे हैं और उनकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी कर रहे हैं। इसके साथ ये मोहम्मद शहाबुद्दीन जो इलाज के बहाने दिल्ली घूमने गए थे और वो इस उम्मीद में दिल्ली को नीतीश जी ने भेजा था कि भागलपुर जेल की जो कठिनाइयाँ हैं उनसे उनको मुक्ति मिल जाएगी, एयर कंडीशन गाड़ी से उनको सिवान से भागलपुर लाया गया। विरोधी नीतीश कुमार की सरकार पर शहाबुद्दीन को बचाने का आरोप भी लगा रहे हैं। आरजेडी के नेता शहाबुद्दीन साल 2004 से ही जेल में कैद है। शहाबुद्दीन के खिलाफ बिहार के अलग अलग थानों में करीब 3 दर्जन मामले दर्ज हैं, जिनमें से ज्यादातर में वो छूट गए हैं। शहाबुद्दीन पर छोटे लाल अपहरण कांड में भी मुकदमा चल रहा है और वो फिलहाल हत्या और अपहरण के 7 अलग अलग मामलों में सजा याफ्ता है। हाल ही में पत्रकार राजीव रंजन की हत्या केस में भी शक की सुई उनकी तरफ घूमी हुई है। आरोप है कि जेल में रहते हुए उनके इशारे पर ही पत्रकार राजीव रंजन की हत्या की गई थी। यही नहीं, शहाबुद्दीन पर सीवान जेल में अपना दरबार लगाने का आरोप भी लगता रहा है। शहाबुद्दीन को लेकर बवाल उस वक्त भी मचा जब नीतीश सरकार के एक मंत्री अब्दुल गफूर ने जेल में उनसे मुलाकात की थी। 24 मई को सीवान जेल में रेड के दौरान शहाबुद्दीन के आसपास 52 लोग पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें 25 मई को सीवान जेल से भागलपुर जेल भेज दिया गया था।